डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टू ऑफ यूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक सो टेक आउट यू इंग्लिश टेक्स्ट बुक कम टू चैप्टर नंबर टू एंड यू कैन सी दट दैडिंग ऑफ द चैप्टर इज ट्रीज सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पोएम ट्रीज विथ यू इन दिस क्लास रेडी विथ लीव्स एंड विथ बर्ड्स टू द ट्री बर्ड्स का मतलब क्या होता है जो फूल खिलने का पहले जो छोटे फूल होते हैं उसको कहते हैं बर्ड्स तो ये पेड़ था ठीक है ये पेड़ बड से भरा हुआ था फूलों की कली से ये पेड़ भरा हुआ था अब ये कली जो है ये खिलकर ब्लॉसम करके खिलके फूल बनने के लिए तैयार था आई टेक देम द फ्रॉस्ट सेट नाउ पफिंग विथ ग्ली तो देखो विंटर का सीजन था ठीक है और जारे का सीजन में क्या होता है जारे का सीजन में फ्रॉस्ट होता है फ्रॉस्ट मतलब देखो जो ओंस का दाना होता है ना जब विंटर आता है हम लोग देखते हैं कि घास के ऊपर पत्तों के ऊपर जो ओंस के बूंद गिरे रहते हैं जो देशों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है उन देशों में ये ओस के बूंद जो है वो जम के बर्फ हो जाता है और जब पौधे के ऊपर पेड़ के ऊपर ये फ्रॉस्ट गिरता है ये ओस के बूंद जब जम के बर्फ के गोले हो जाते हैं दाना हो जाते हैं उसको फ्रॉस्ट कहते हैं तो फ्रॉस्ट जब पेड़ पर गिरता है तो पेड़ में जो कली खिलने वाले होते हैं वो खिलते नहीं हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं तो विंटर की सीजन है तो कवि कल्पना कर रहे हैं मानो फ्रॉस्ट जो है वो बड़ी ग्ली ग्ली माने खुशी ठीक है बड़ी खुशी के साथ मुंह फुलाते हुए वो पेड़ से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे कलियों को बर्ड्स को क्या मैं ले लूं तो पेड़ कहता है ओ माई नो लेट देम स्टैंड टिल फ्लावर्स आर एट हैंड तो पेड़ क्या कहता है हे hey भगवान नहीं ऐसा मत करना इन बर्ड्स को रहने दो जब तक ये खिलकर फूल ना हो जाए ऑल ट्रेम्बलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट केम द्ली प्ली मतलब प्रेयर प्रार्थना तो देखो पेड़ जब फ्रॉस्ट आके कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बरसने वाला हूं गिरने वाला हूं तुम्हारे कलियों को लेने वाला हूं तो जड़ों से लेकर रूट से लेकर ऊपर तक टॉप तक भयभीत होकर भय के मारे डर के मारे सारा पेड़ कांप गया और उसने कहा ओ माई नो ऐसा मत करना रहने दो मेरे कलियों को लेट देम स्टैंड टिल द फ्लावर्स आर एट हैंड जब तक फूल न खिल जाए फ्लावर्स अनफोल्डिंग द बर्ड्स ग्लैडली सांग देखो फ्लावर्स अनफोल्डिंग अब जब फूल खिले सारा पेड़ जब फूल से ढक गए तो पंछियां ग्लैडली मतलब खुशी के साथ पंछियां गाना गाने लगे शलाई टेक एंड मैरीली स्वांग तभी वहां पर आ गया हवा देखो अगर हवा बहुत तेजी से चलता है तो क्या होता है पेड़ के सारे फूल झड़ जाते हैं <coughs> तो वहां पे हवा आ गया और हवा ने पेड़ों से पूछा पेड़ से पूछा क्या मैं तुम्हारे सारे फूल को ले लूं माई नो लेट दे चेरीज आर एट हैंड चेरी देखो चेरी एक तरह का फल होता है तो यह चेरी का पेड़ था ठीक है तो फूल जब आता है फूल के अंदर फूल से ही फल होता है अगर फूल झड़ जाएगा तो फल नहीं होंगे तो पेड़ अब क्या कहता है प्रोटेस्टेड द ट्री वाई लिट क्विवरिंग हंड तो डर मतलब के क्वीवरिंग मतलब काँपना डर के मारे काँपते हुए ये पेड़ ने क्या किया प्रोटेस्ट किया अपनी आवाज उठाया विंड के सामने और कहा कि ऐसा मत करना फूलों को रहने दीजिए जब तक इन फूलों से चेरी का फल न आ जाए द चेरीज केम फोर्थ नीथ सन्स ग्लोइंग आई अब देखो अब चेरी के फल आ गए सन्स ग्लोइंग आई आंख देखो सूरज को कभी आंख के साथ तुलना करते हैं ठीक है तो सूरज की रोशनी सूरज कैसा है ग्लोइंग मतलब चमकता हुआ तो सूरज की रोशनी चमकता हुआ सूरज की रोशनी के नीचे धीरे धीरे क्या हुआ <coughs> ये जो फूल है <coughs> ये फूलों से चेरी के फल खिल गए शलाईटेक रोजी यंग गर्ल्स ईगर ट्राई तभी वहां पर एक छोटी सी लड़की लाल गालों वाली एक छोटी सी लड़की ईगर मतलब बड़ी उत्साह के साथ बड़े एक्साइटमेंट के साथ वो आ गया और पेड़ से कहा क्या मैं आपकी चेरी ले सकता हूं oh my, yes तो कहता है, जरूर आप ले सकते हो तुम्हारे लिए ही मैं इन चेरी की फलों को जमा के रखा लो बेंडिंग इट्स ब्रांचेस ट्री ब्रॉड तो पेड़ ने क्या किया अपने डालियों को नीचे झुका लिया और ये बच्चा चेरी के फल उतार लिया तो देखो इस पोएम से पौधे पेड़ों के साथ इंसान की जो रिश्ता है उसके बारे में हमें कभी कुछ अंदाज़ा देने की कोशिश करते हैं देखो पहले फूल की कली आता है फूल खिलता है उससे फल आता है और पेड़ ये सारे फल इंसान को देता है तो पेड़ का जो सबसे बढ़िया गिफ्ट है फल वो गिफ्ट इंसान को मिलता है सो so, पेड़ जो है ट्रीज जो है वो इंसान के दोस्त है वो फल जैसे खूबसूरत चीज़ वो इंसान को तोहफे में देता है ओके सो दिस इज द पोएम पोइट का नाम है जॉनसन नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज हमको करना है ये ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में कविता के बारे में इस पोएम की पोएम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहां से वर्ड्स चुनके इन ब्लैंक्स को फुल करके कविता का जो समरी है पोएम का जो समरी है उसको पूरा करना है तो देखो द पोएम ट्रीज इज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग सीजन ऑन ट्रीज ये पेड़ ट्री जो है ये मौसम का बदलने का असर पेड़ पर जो पड़ता है तो मतलब सीज़न्स का बदलने का असर पेड़ पर जो जो पड़ता है उसके बारे में है इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूम एंड प्लांट्स इस पेड़ का एक और विषय है इंसान और पेड़ के बीच में जो रिश्ता है वो बाहर लाना इच सीजन हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन प्लांट्स देखो जब मौसम बदलता है हर एक मौसम का पेड़ पर अलग अलग असर पड़ता है वेन द फ्रॉस्ट ऑफ विंटर फॉल्स ऑन द ट्रीज जब विंटर में जारी की मौसम का फ्रॉस्ट पेड़ पर पड़ता है तो क्या होता है इट विदर्स द बर्ड्स विदर मतलब सुखा देता है ये फूल की कलियों को सुखा देता है वंस बर्ड्स आर श्रंक फ्लावर्स विल नॉट ब्लॉसम एक बार जब फूल के बर्ड्स कली सूख जाता है तो उससे और फूल खिलते नहीं है ब्लॉसम मतलब खिलना उससे और फूल खिलते नहीं है इफ देर आर नो फ्लावर्स देन देर विल बी नो फ्रूट्स अगर फूल नहीं खिलेंगे तो फल भी नहीं आएंगे इन द फर्स्ट टांजा द फ्रॉस्ट थ्रेट थ्रेट मतलब डराना ठीक है तो पहला स्टांजा में फ्रॉस्ट डराता है क्या डराता है पेड़ को कि मैं तुम्हारे सारे बर्ड्स को कलियों को गिरा दूंगा द होल ट्री फ्रॉम इट्स रूट्स टू इट्स टिप प्लीड्स प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना करना प्रे करना तो पेड़ का जड़ से लेकर पेड़ की ऊंचाई तक पूरा का पूरा पेड़ फ्रॉस्ट के फ्रॉस्ट के साथ प्रे करता है फ्रॉस्ट को प्रार्थना प्रार्थना करता है कि मेरे बट्स को गिराना मत ताकि फूल खिल पाए सेकंड स्टांस तेज हवा आ जाता है देखो तेज हवा जानता है नोज दैट इफ इट ब्लोज वेरी हार्ड ऑन द फ्लावर्स द ट्रीज वुड फॉल ये विंड जो हवा है वो जानता है कि अगर वो बड़ा तेज ब्लो करेगा तो सारे फूल जो है पेड़ से झड़ जाएगा द ट्री वांस अगेन प्लीड्स विद द सेकेंड फोर्स ऑफ नेचर नॉट टू डिस्ट्रॉय द फ्लावर्स एज दे आर अबाउट टू स्प्रिंग चेरीज तो पेड़ जो देखो प्रकृति का पहला ताकत था फोर्स था फ्रॉस्ट अब दूसरा फोर्स आ गया विंड तो पेड़ जो है ये विंड के सामने कतराता है विंड को भी प्रे करता है कि ज्यादा जोर से आप बहना मत फिर मेरे सारे फूल गिर जाएंगे ठीक है और अगर फूल गिर जाए तो चेरी के जो फल है वो खिलेंगे नहीं इन द लास्ट टांजा तो आखिरी टांजा में क्या होता है एक छोटी सी गर्ल लुक्स एट द चेरीज वो चेरीज को देखते हैं देखती है जो पेड़ से लटक रहा है आस्क द ट्री फॉर परमिशन वो पेड़ से परमिशन मांगता है कि वो खाने के लिए चेरीज को पेड़ से लेंगे या नहीं द ट्री ग्लैडली ब्लोस तो बड़ी खुशी के साथ पेड़ अब इनकार नहीं करता बड़ा खुशी के साथ वो झुक जाता है ताकि ये लड़की चेरीज पेड़ से ले सके एंड इट टेल्स द गर्ल दैट इट हैड बीन सेविंग द चेरीज जस्ट फॉर और वो लड़की को कहता है सेविंग मतलब बचाना वो लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही इन पेड़ों को बचा के रखा था ओके सो दिस इज द चैप्टर आई विल Upload the notes also along with the video and also the objective questions I will upload. Okay. Thank you so much.